कि इन लोगों को मैं पानी नहीं पिला रहा था मतलब पानी पिलाने के लिए यहाँ पे हमको एक मतलब टूल बनाना होता है मतलब वो जो छोटा सा स्मॉल बाउल होता है वो चीज़ बनानी होती है भाई मुझे इसके बारे में पता नहीं था देखा ये।, ये ये वाटर बाउल बनाना होता है तभी जाके ये चिकन्स इसमें से पानी पीती है तो मुझे भाई इसके बारे में जरा सभी नॉलेज नहीं था दैट्स तो वाई वो दोनों चिकन्स की डेथ होगी मुर्गियों के लिए आज हमको गाइस घर बनाना है एंड एक बार ना मैं पिक्स के पास भी जाके देखता हूँ बिड़ू बिडू कैसा बिडू और ये हमारे पिग्स है यहाँ से तुम लोग बाहर नहीं जाओगे एंड कैस क्या आपको पता है Uh, मैं भी इन प्रिक्स को मारने वाला हूँ मारना तो नहीं चाहता इन लोगों को लेकिन हमको पैसे कमाने के लिए इनको मारना पड़ेगा बट अभी नहीं मारूंगा मैं सबसे पहले इनको हम थोड़ा सा और खाना खिलाएंगे ये जितने ज्यादा मोटे होंगे ना ज्यादा ज्यादा इनका वजन बढ़ेगा उतने हम के पैसे मिलेंगे तो अभी मैं सोच रहा हूं कि इनका खाना वगैरह एक बार देख लेता हूँ खाना यहाँ पे काफी सारा है एंड पानी भी इनफ है तो ये तुम लोग काम करो तुम लोग यहाँ पर ऐश करो खाना वगैरह खाओ तब तक के लिए आज हमको आज का काम करना है आज मैं आपको बताता हूँ आज हमको क्या करना है तो आज हमको हमारा सबसे पहला काम है हमको यहाँ पे चिकन के लिए बनाना है तो उसका मैं सबसे पहले ब्लूप्रिंट यहां पे बना लेता हूं, जो इसके लिए पता नहीं कितने बट या यही बनाते हैं ताकि थोड़ा सा ज्यादा हाँ अभी देखो अभी ठीक से सब कुछ दिख रहा है तो हमारा चिकन का कूप रहेगा उसको मैं यहाँ पे बनाऊंगे मतलब ये हमारा घर और बाहर के बीच में अच्छा लगेगा आई थिंक या यहीं पे बनाते फिर या गई देखा अभी मैंने यहाँ पे चिकन आई मीन जो कूप है उसका आउटपुट बना लिया है तो इसके लिए हमको 52 मेटल्स चाहिए ये कूप बनाने के लिए एंड इसके अंदर में भी कितनी मुर्गियाँ फिट होती है मुझे एक बार ये भी देखना है इसके अंदर लगभग हम थर्टी हैंड्स को रख सकते हैं ठीक है भाई मतलब यार मैं मतलब छोटा भी बना सकता था लेकिन अगर हमको मतलब बनाना ही है तो हम बड़ा बनाएंगे और इसके लिए हमको टोटल हंड्रेड प्लैंक्स की ज़रूरत है और प्लैंक्स से याद आया आज हमको ये वुडन कटर मशीन भी परचेस करनी है बिकॉज मतलब एक से अगर मैं यहाँ पे लकड़ी कट करने बैठूंगा ना भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है अरे बारिश की होती है इस गेम में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बारिश का मौसम बट एनी अभी सबसे पहले अपनी गाड़ी को चालू करते हैं और इसके अंदर जितनी भी मैंने लकड़ियाँ मतलब कलेक्ट करी थी उनको मुझे वहाँ पे खाली करना है बिकॉज हमको प्लैंक्स की जरूरत है गाड़ी सीधा पलटी भाई उतर ले भाई अभी गाड़ी को मुझे फ्लिप करना पड़ेगा ये वैसे सिस्टम ये काफी सही है एक सेकेंड अभी सबसे पहले एक काम करता हूँ लकड़ियों को यहाँ से उतार लेता हूँ सबसे पहले ये लकड़ियां उतारने का बहुत सही तरीका देखा गाड़ी उल्टी है और मेरे सारी सारी लकड़िया उतार दी है लेट्स गो भाई बहुत ही ज्यादा तेज बारिश हो रही है और ये जब तक बारिश नहीं रुकेगी तब तक अपने में घर के अंदर ही रहने वाला क्योंकि यार इस गेम में अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखता तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मैं सो ही लेता हूँ गुड मॉर्निंग गेमर्स अगेन सुबह हो चुकी है एंड प्लीज बारिश बंद हो जानी चाहिए क्या होगी बारिश बंद अरे अभी अभी सुबह होने के बाद भी बारिश हो रही है आई डोंट नो आए बट अभी अभी अच्छी बात है कि सुबह हो चुकी है तो अभी हम अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं ठीक है लेट्स गो अभी जल्दी से अपने कार में बैठ के मैं निकल लेता हूँ ये बीस बर्गर वाला जो शॉप है मुझे एक बार इसको भी चेकआउट करना है ये एक्चुअल में कौन सा शॉप है ओ गाने बज रहे है यहाँ पे ऐसा लग रहा है कोई मूवी चल रही है ये, बट ये बर्गर शॉप में क्या करना होता है मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ लेट मी सी मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आया था आई थिंक आई uh, थिंक मैं यहाँ पे कुछ बेच सकता हूँ खुद से लेट्स सी चीज़ वाइल्ड मीट और चिकन मीट बॉल्स वो आई थिंक मैं ये चीज़ें चीजेंगे यहाँ पे बेच सकता हूँ तो आई थिंक अगर मैंने पिक्स को मारा ना मतलब पिक्स से पिक्स को मारने के बाद हमको जो मीट मिलेगा वो मैं आई थिंक यहाँ पे बेच सकता हूँ तो यहाँ पे आई थिंक उसका रेट बता रहा है ये ओके प्राइस मल्टीप्लायर बाय वन पॉइंट फाइव ओके मतलब नॉर्मल प्राइस से हमको डेढ़ गुना प्राइस ज़्यादा मिलेगा अगर मैंने यहाँ पे बे, मतलब बेचा तो ओ भाई ये सही है तो बीस बर्गर ठीक है गाइज्स आई मीन बीस नहीं बेस्ट बर्गर है ओके ओके समझ गया मैं तो मेरे बिना दिमाग में एक आइडिया आ रहा है कि जब हम पिक्स को मारेंगे ना उनका सीधा सा मतलब उनका सारा का सारा मीट ला के मैं यहीं पे बेच दूंगा क्योंकि ये पास भी है और हमको ज़्यादा पैसे मिलेंगे ऑब्वियसली और हमको पैसों की ज़रूरत है ठीक है गाइड्स हम लोग आ गए शॉप पर और अभी जल्दी से जाके मैं इस चीज़ों को परचेस कर लेता हूँ एंड यहाँ पर और क्या क्या है परचेस करने के लिए ठीक है ई टू यूज़ For... Oh, मैं पे... मैं पेंट फॉर ओ okay, तो घर बनाएंगे ना तो में भी बाय कर सकता हूँ भाई साहब देखा मतलब मैंने बोला था ना ये गेम बहुत बड़ा है इसमें बहुत सारी चीजें तो हमको मेटल चाहिए था बहुत सारा आई थिंक वहां पे 50 प्लेट्स की जरूरत थी तो मुझे यहाँ से 500 डॉलर प्लेट्स के लिए लगेंगे कुछ ज्यादा ही महंगाई एंड ये लग्जरी टेबल सो ये लू क्या मैं यार इतने पैसे तो नहीं है मतलब हमारे पास बस दो हजार डॉलर है तो मैं ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकता एंड ये कूलर ये क्या है ये कूलर के अंदर आई थिंक ना मीट वगैरह रख सकते हैं तो एक कूलर भी परचेज कर लेता हूँ मैं एंड टेबल सौ लू क्या मे भी हमको लेना चाहिए लग्जरी वाला भी बहुत महंगा है ये मैं दो लेता हूँ ठीक है तो टोटल हजार डॉलर हो गए गाइज तो लेट्स गो चेकआउट कर लिया वन थाउजेंड डॉलर स्पैक कर दिए हम लोगों ने ऐसे ही ठीक है बस वो भालु आस पासन ही है ना नहीं है डोंट वरी और अब ये सारा का सारा मेटल हमको अभी कार के अंदर लोड करना पड़ेगा और इसको जाके जल्दी से अपना चिकन का कूप है आई I मीन mean, चिकन का बिग प्रीमियम हाउस उसको हमको कंप्लीट करना है तो एक के ऊपर ये सारा का सारा मेटल मैं रख देता हूँ ये सारे के सारे मेटल के पीसेस मैंने यहाँ पे रख दिए एंड ये जो कूलर है इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है ज़्यादा बट आई थिंक जहाँ तक मुझे लग रहा है ना ये कूलर के अंदर आई थिंक हम मीट वगैरह स्टोर कर सकते हैं तो ये सौ जो मशीन्स है उनको मैं एक के ऊपर यहाँ पे ऐसे एक रख देता हूँ एंड अपनी कार में एक बार फ्यूल कितना है देख लेता हूँ इस जेरी कैन के अंदर या जेरी कैन तो पूरा फ्यूल से भरा हुआ है एंड कार के अंदर थोड़ा सा गैस मुझे फ्यूल ना कम दिखाई दे रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि आ, एक और जेरी कैन परचेस या एक और परचेस कर लेता हूँ मैं क्योंकि यार मतलब बार बार मुझे यहाँ पे आना नहीं है और यहाँ पे जेरी कैन मिल जाएगा ट्वेंटी फाइव डॉलर्स में ज़्यादा महंगा भी नहीं है लेट्स गो इसको मैं परचेस कर लेता हूँ एंड अभी मैं सीधा गैस स्टेशन पे जाके अपने कार में भी फ्यूल भरवाऊंगा और इस जेरी कैन में भी फ्यूल भरवाऊंगा क्योंकि आज हमको बहुत सारा काम करना है और मुझे वापस से वही सेम चीज़ें नहीं करनी ठीक है लेट्स गो और अभी मैं मैप में गैस स्टेशन मार्क कर देता हूँ यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है इंजन ऑन कर दिया एंड वही सुबह हो गया आई मीन क्या बोलते हैं बारिश बंद हो गई अभी अच्छा लग रहा है मुझे अ ओ ये कार वगैरह भी फ्यूल भरवाते हैं क्या यहाँ पे अबे रेडियो को ऑफ कर दे बस कोई भीड़िया ना जाए भाई क्योंकि मैंने लास्ट टाइम यहाँ पे दो तीन भीड़िया देखे थे तो लेट्स गो और अभी इस बार मुझे इसके अंदर भरवाना है और ये ऑन करना है मैं जब लास्ट टाइम यहाँ पे आया था ना फ्यूल uh, भरवाने के लिए मैंने इसको ऑन ही नहीं किया और तभी मैं समझू इसके अंदर फ्यूल क्यों नहीं भर रहा है तो अभी ये जेरिकन फुल हो जाएगा दूसरा जेरिकन ओके okay, यहाँ पे इसको भी हमको फुल करना है आई थिंक ये वाला जेरिकन कैन अभी जेरी को क्यों उठाया इसको यहाँ पे रख देते हैं uh, ये वाले जेरी के अंदर फ्यूल फुल आए थिंक यहाँ फुल है बस अभी कार के अंदर भरवाते हैं और इसको ऑन करना पड़ेगा लेट्स गो जल्दी से फ्यूलिंग हो जाने एक बार मैं आसपास देख देता हूँ यहाँ पे कोई रहता वगैरह की हेलो इज एनीवन हियर को रहता है यहाँ पे कोई भी नहीं रहता भाई ये जिस लुक एट दिस कार वही कितनी प्यारी लग रही है ये फ्यूलिंग हो चुका है ये यहाँ पे मैं रख देता हूँ और अभी जल्दी से अपने घर का यहाँ पे मैप लगा के जल्दी से निकल लेते हैं अपने घर के लिए अभी क्या हो गया ओन हो गाइज मुझे वापस से जाना पड़ेगा जनरल स्टोर में गाइज जाना पड़ेगा बिकॉज पिक्स का खाना लेना भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो लोग मर जाएंगे भाई जनरल स्टोर ऐसे ज्यादा दूर है नहीं हाँ एक काम करता हूँ वहीं पर चलता हूँ मैं तो ये आ गया हमारा जनरल स्टोर जनरल स्टोर पे मैं जाके थोड़े से वीट के बैग्स खरीदना चाहता हूँ क्योंकि भाई लोगों को खाना वगैरह भी तो खिलाना है क्योंकि वो जब बड़े होंगे उनसे ही हम पैसे कमाने वाले ठीक है तो ये आ गए हम यहाँ पे एंड आई थिंक हमारी कार में थोड़ी सी जगह है मैं उनको मतलब एटलीस्ट तीन चार बैग्स तो यहाँ से परचेस करके ले जा सकता हूँ सो so ये रही बैग ऑफ वीट गिव मी दैट कितनी चार परचेस करते यार चार भाई लगभग मेरे बहुत सारे पैसे आज वेस्ट हो गए भाई बस आई थिंक आप भी नौ सौ डॉलर बचे मेरे हिसाब से बट एनी वेज ये इंपॉर्टेंट है तो हमको ये इम्पोर्टेंट चीज़ें तो कोई परचेस करनी चाहिए ये यहाँ पे फिट हो गया uh, क्या इसके ऊपर कोई बैक फिट होती है uh, इसके ऊपर प्लीज़ फ़िट हो जा भाई कहीं पे तो नो वाइज परफेक्ट भाई क्या मैंने स्पेस का यूटिलाइज किया है टर्न ऑन इंजन अपने गैस स्टेशन का आई I मीन mean, फार्म का मैंने लोकेशन सेट कर दिया है अभी अभी ना लोकेशन सेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हमको पता है रास्ते कहाँ से कहा जाते हैं अभी ये सीधा मुझे इस रोड के रोड से जाके लेफ्ट लेना है देन हमारा सनफर्म आ जाएगा ये हम आ गए अपने फार्म पे अभी जल्दी से अपने फार्म पर चलते हैं अपना भाई काम काज शुरू करते हैं सबसे पहले मुझे चिकन्स को थोड़ा सा खाना खिलाना है और पिक्स को भी थोड़ा सा खाना खिलाना है नहीं तो भाई वो लोग मर जाएंगे इतना सब कुछ मैं उन्हीं लोगों के लिए तो कर रहा हूँ चिकन्स के पास आ गए एक बोरी उठा के इनको खाना खिलाते हैं भाई या गाइस 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 इनकी हेल्थ बहुत ज्यादा कम है ये लो भाई खाना खा लो देखा इसकी वजह से हमको इनको खाना खिलाना बहुत अबे यार एक चिकन मर गई यार यू सीरियस पानी है ना या पानी तो भाई यार ये यार बहुत गलत बात है भाई मैं इसी की तो बात कर रहा था मतलब इसको यार खाना नहीं मिला दैट्स वाई प्रॉब्लम हो गया यार यार एक और चिकन मर गई अभी इसको स्किन करना पड़ेगा क्या मैं इसका मीट इसके अंदर रख सकता हूँ ये मैंने जो परचेस करा ये बॉक्स भाई यार ये गलत बात है भाई अभी मुझे जल्दी से पिक्स के पास भी जाना ओ ये इसके अंदर फिट हो गया वाह चिकन ओके, ओके 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 भाई तो ये बहुत काम की चीज़ है इसके अंदर आई थिंक हम मीट ऐसे कहीं पे भी रख सकते हैं ठीक है भाई तुम लोग अभी खाना खाओ भाई इन लोगों के लिए मैं मैं घर बनाना चाहता हूँ यहाँ पे और ये लोग मर गए बट एनी वेज एक बार पिक्स के पास जाके देखते हैं उनका क्या मामला पानी चल रहा है क्योंकि उनको भी तो खाना खिलाना इंपॉर्टेंट है लेट्स को आ गए पिक्स के पास एक बैग नहीं बैग तो वहाँ पर ऑलरेडी है एक बार बस मुझे देखना है कि वो लोग क्या कर रहे हैं ओह भाई ये देखो कितना बड़ा हो रहा है धीरे धीरे भाई ये ये मुझे सामने मुझे मेरे 500 सौ डॉलर दिखाई दे रहे है ये 500 डॉलर और ये 500 डॉलर बट ये लोग अभी ब्रीडिंग वगैरह क्यों नहीं कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा इसके अंदर थोड़ा सा ही खाना डाल देता हूँ पानी ये लोग पानी बहुत ज़्यादा कम पीते हैं भाई जल्दी जल्दी खाओ पियो मतलब बड़े हो जाओ और ये मैं डोर्स को ओपन कर देता हूँ ताकि ये लोग बाहर जाके भी थोड़ा सा खाना मतलब खाना खा सके ठीक है और अब यहाँ से चलते हैं बाहर बस कोई पिक बाहर नहीं आएगा ठीक है तो अभी जो मैंने सारा का सारा सामान परचेस करा था एक बार मैं ये सर की सारी बैग्स यहाँ पे नीचे रखवा देता हूँ एंड देन हमको काम करना है भाई आज बहुत सारा ये सो कटिंग मशीन को यहाँ पे लगाना है मतलब एकदम लाइन से लगने वाले इनको ठीक है एक यहाँ पे लगेगी एंड uh, इसके अंदर भी फ्यूल डलवाना पड़ेगा ओके दैट्स वाइक मैंने मतलब ये दो तीन जेरी कैंस परचेस करे थे और ये लगेगी यहाँ पे परफेक्ट एंड अभी बस इसके अंदर हमको फ्यूल डलवाना है जो कि दोनों जेरी कैंस के अंदर फुल्ली फ्यूल भरवा दिया हम लोगों ने एक इसके अंदर जाएगा भाई या इसके अंदर फ्यूल हो रहा है या फिल हो गया लेट्स गो अभी ये बंद हो जा मशीन थोड़ी देर के लिए अभी नहीं अभी जो जो चालू नहीं होना है और एक इसके अंदर जाएगा और इसके अंदर भी फ्यूल नहीं है आ, ये भी फुल हो गया लेट्स गो एंड इसके अंदर भी फ्यूल डलवाना पड़ेगा यार एक सेकेंड इसको मुझे सीधा रखना पड़ेगा इससे ओके चारों मशीन के अंदर फ्यूल भरवा दिया हम लोगों ने और अभी बस कटिंग का काम शुरू करना है लेकिन वो काम शुरू करने से पहले एक बार इसके अंदर सारा का सारा मेटल में लगवा देता हूँ ट्वेंटी अभी उठा ले या ये थर्टी मैंने एक्स्ट्रा बाई किया भाई वो बहुत अच्छा हुआ फोर्टी ये फिफ्टी एंड लास्ट दो आ, ये टू लेट्स गो सारा का सारा मेटल वहाँ पे रखवा दिया अभी बस लकड़ियों को लगाने की बारी है एंड अभी देखो प्लैंक्स कितनी फास्ट तरीके से बनते हैं सारी की सारी मशीन्स ऑन कर दी और ये यहाँ पे लगाना है और दूसरी लकड़ी यहाँ पे लगा अभी ये इधर उधर लगा एक सेकेंड एक सेकेंड ये मैंने ये मैंने मशीन को थोड़ा सा उल्टा लगा दिया है अभी ठीक है अभी देखो फिर से एक बार सारी की सारी मशीन ऑन कर दी और अभी गाइज हमारा काम बहुत ज़्यादा फास्ट होने वाला है लेट्स गो अभी देखो कितनी तरीके से आई मीन कितनी फास्ट तरीके से ये टूटने वाली है मतलब कटने वाली है और जहाँ तक मुझे लग रहा है इतनी लकड़ियों में भी काम हो जाना चाहिए अगर कम पड़ गई तो डोंट वरी हम थोड़ी सी और काट लेंगे मतलब भाई हमारे यहाँ पे तो पेड़ बहुत सारे तो या इस मशीन का काम हो गया अभी देखो कितनी फास्ट काम हो रहा है भाई ये बहुत सही है देखा इसका भी काम हो गया अभी इसके अंदर भी थोड़ी सी लकड़ियाँ जलेगी लेट्स को गाइज ये यहाँ पर जाएगा लेट्स को एंड अभी आखिरी के दो लॉक बचे बस हो गया आई थिंक इसमें ये हो जाएगा ये इसमें जाएगा और ये आखिरी वाला वॉक ओके इस मशीन में जाएगा और अभी इसको बंद करना पड़ेगा ओके okay, तो बंद हो जा इसको भी बंद करना पड़ेगा क्योंकि लकड़ियाँ कट हो चुकी है सारी सारी ऑफ एंड ये आखिरी वाली ऑफ अभी देखते हैं इतने लकड़ियों में कितना काम होता है ऑफ़ भाई साहब वाओ बहुत सारे प्लान्स बन गए एट लेट्स गो प्लीज़ अबे ये मशीन को क्यों उठा दिया भाई मशीन को नहीं उठाना था फोटीन uh, भाई आई डोंट थिंक सो कि इतने में होने वाला है बट देखते कितने बने ट्वेंटी वन ओके एटलीस्ट फिफ्टी तो अबे मशीन को कहा है उठा रहा है भाई <laughs> ये गई गेम बहुत वियर्ड है ना गाइस ये कम पड़ने वाले थर्टी थ्री भाई अब तो आधा भी नहीं हुआ है ओ oh नो no, मुझे लगा भाई इतने में बहुत सारे हो जाएंगे थर्टी एट भैया भाई 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 अभी तो ये यहाँ पे थोड़े से है एक्स्ट्रा आएंगे हम दस उठा सकते हैं फोर्टी सिक्स या आधा गाइज हो गया गाइज आधा काम तो हो चुका है डोंट वरी और फिफ्टी सिक्सटी फिफ्टी फोर नो oh no यार दिस इज सो सो एक्सपेंसिव सो हार्ड ओके तो फिफ्टी सिक्स प्लैक्स गाइज हमने बना दिए थे तो आई थिंक कि मुझे थोड़े से और पेड तोड़ने पड़ेंगे तो ये बड़ा वाला ट्री है इसको तोड़ता हूँ आई थिंक इससे बहुत सारी लकड़ियां मिलेंगी या इसको चॉप कर दिया ओ oh, भाई बहुत सारी लकड़ियां टूट गई लेट्स गो गाइज अभी मैं काम करता हूँ यहाँ पे आसपास जितने भी ट्रीज है मैं सबको तोड़ दूंगा और सबसे हम बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी करेंगे क्योंकि अभी हमको जरूरत है लकड़ियों की ठीक है इसको भी स्क्रेन कर दिया लेट्स गो भाई बहुत सारी लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ आ गई मतलब तीन चार बड़े पेड़ तोड़ दिए तो भी बहुत सारी आ जाती है और अभी बस हमको अपना ट्रक लेके यहाँ पे आना पड़ेगा भाई भाई बहुत सारे मतलब बस चार पांच मैंने बड़े बड़े ट्रीज तोड़े थे बस ये इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ खाना वगैरह ये प्लेट यहाँ पे और अपनी कार ले सारा का सारा सारी लकड़ियाँ मुझे इसके अंदर फिल करनी है ये यहाँ पे लेट्स को आ, ये जाएगा यहाँ पे गाइड जस्ट लुक एट द कार भाई किस तरीके से मेरी लकड़ियाँ लोड करिए पे भाई मतलब कुछ भी ये कहीं पे भी फिट हो रहा है अभी पता नहीं मैं कितने और यहाँ पे फिट कर सकता हूँ बट आई थिंक इतनी इनफ है इतने में हमारा काम वैसे हो जाएगा अभी ये आखिरी वाली है भाई <laughs> मतलब कौन सा फिजिक्स पे काम कर रहा है पता नहीं लेट्स <laughs> गो और यार फिर से एक बार ये बारिश शुरू हो गई मुझे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं भाई सब कुछ काला काला दिखता है अरे यार ये बीच में छोटे छोटे जो ट्रीज है ना मुझे इनको यार तोड़ना पड़ेगा मैं सोच रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा जंगल हम क्लीन करेंगे वेट लास्ट टाइम का यहाँ पे गियर मारा था और ये ट्री भी तोड़ा था उसको अभी तक मैंने मतलब स्किन नहीं करा है बाद में करेंगे अभी हम हमका बहुत इंपॉर्टेंट काम है अभी सबसे पहले सारी सारी लकड़ियाँ मैं यहाँ पर अनलोड कर देता हूँ लेट्स को अनलोड अनलोड या ओके अनलोड करना का बहुत ईजी है देखो कितनी फास्ट तरीके से आप सारी की सारी लकड़ियाँ अनलोड हो रही है तो मैं सारी सारी लकड़िया यहाँ से अनलोड कर देता हूँ लेट्स गो फास्ट फास्ट भाई फ्लैश की तरह मैंने सारी की सारी लकड़ियाँ यहाँ पर अनलोड कर दी बस इनको लोड करना मुश्किल होता है एंड अभी ये मशीन लगेगा यहाँ पे ऐसे अगर मैंने ऐसे लगाया तो लकड़ी कहाँ पर लगानी है एक सेकेंड इसको घुमा के लगाता है फिर मतलब प्रॉब्लम हो रही यार यहाँ पे लकड़ी लगाने में अगर इस तरफ होगा ना तो ये इजी होगा थोड़ा सा आ, ये भी थोड़ा सा इस तरफ घुमा के लगाते हैं फिर परफेक्ट एकदम हाँ ये थोड़ा सा ईजी होगा और इस मशीन को भी उठा के मैं यहाँ पर लगा देता तो, हूँ परफेक्ट और सबको ऑन कर दो ऑन ऑन अभी बस हमको यहाँ पे प्लैंक्स बनाने हैं आखिरी की गई चार या पाँच यहाँ पे वुडन लॉक बची है सारी की सारी हमने लगभग यहाँ पे प्लैंक्स में कन्वर्ट कर दिए एंड आई थिंक ये फिफ्टी तो होंगे डेफिनेटली इतने में हमारा ये पूरा का पूरा चिकन कुक कम्प्लीट हो जाएगा ओके okay, आखिरी के बस तीन बच्चे जल्दी से इनको कम्प्लीट करते हैं हम लोग एंड यारे बारिश क्यों नहीं बंद हो रही समझ नहीं आ रहा है तो बहुत गंदा लगता है जब ये बारिश होती है कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता मतलब अजीब है एंड ये आखिरी वुडन लॉग हो गया गाइज़ फाइनली सारी की सारी जितनी भी लकड़ियाँ थी हमने उनके प्लांस बना दिए मशीन को ऑफ़ कर देते हैं ये वाली मशीन ऑफ़ कर दी अब ये वाली ऑफ करनी पड़ेगी और आ, ये वाली आखिरी वाली एंड हो गया लेट्स गो बहुत सारे प्लैंक्स बना दिए अब की बार हो जाना चाहिए भाई प्लीज़ मेरे को कुछ पता नहीं है फिर लेट्स गो अभी यहाँ से ये उठा के सिक्सटी फोर लेट्स गो डेफिनेटली इसमें में काम हो जाएगा सेवेंटी टू लेट्स गो गाइड्स वाओ एटी नाइन आई मीन सेवेंटी नाइन बारिश भी बंद हो गई भाई बहुत सही टाइम पे बारिश बंद हुई है भाई आई exactly, थिंक हमने सेम बनाए 98 आखिरी दो बची है यहाँ पे परफेक्ट फाइनली गाइस वी बिल्ड द कूप भाई ये कूप है भाई ये तो घर की तरह लग रहा है मुझे एंड ये यहाँ से हम ओपन कर सकते wow, so वे कितना प्यारा है नया घर बन चुका है अभी सभी लोग मेरे साथ आएंगे मतलब दो ही चिकन से आए यार अभी तक ना इन्होंने ना बच्चे पैदा करे बस मेरा खा मौख इन लोगों ने पैसे मतलब बहुत वेस्ट करा है तो मैं चाहता हूँ कि ये जल्दी से बच्चे पैदा करे ठीक है अभी इन लोगों को यहाँ से मैं लेके निकलता हूँ और ये भी क्या मैं उठा सकता हूँ यहाँ से और इसको तोड़ना पड़ेगा आ जाओ तुम्हारे नए घर में ले लो भाई बहुत मेहनत करिए ये घर नया घर बनाने में और ये मुर्गा भी आ गया लेट्स गो सारे के सारे अभी यहाँ से बाहर कोई नहीं आएगा एंड अभी मुझे इनके लिए अंदर ये बनाना है uh, क्या बोलते हैं उसको स्मॉल वाटर जहाँ पे हम पानी रख सकते हैं और खाने के लिए खाने के लिए कोई मतलब जरूरत नहीं है बस पानी के लिए हमको ये बनाना पड़ेगा स्मॉल वाटर बाउल कहाँ पे क्या है भैया uh, यहाँ पे होता है हाँ ये रहा वाटर बाउल इसके लिए सिक्सटीन स्मॉल कितने का है भाई स्मॉल वाटर बाउल इसके लिए कितनी चाहिए प्लैंक्स या uh, छः yeah, चाहिए होती है यार छः हम इजीली बना लेंगे मॉल वाटर बाउल यहाँ पे रहेगा कहाँ पे रुकू मैं यहाँ पे हाँ यहाँ पे अच्छा रहेगा आई थिंक ओके एंड अभी बस इसको बनाना है ये बना दिया परफेक्ट और एक प्लैंक बची है तो इसको मैं दो बच्ची है उनको मैं यहाँ पे रख देता हूँ हमको बाद में कुछ ना कुछ बनाना तो पड़ेगा डेफिनेटली और ओपन करते डोर को और अभी ना यहाँ से अंडे वगैरह कलेक्ट करने में आसानी होगी डेफिनेटली और यहाँ पे इसके अंदर पानी डालना है बस फाइनली इसके अंदर कितना पानी आता है सेवन uh, लीटर हमने सिक्स पॉइंट सेवन लीटर डाला है इट्स ओके एंड ये मैं यहाँ पे बकेट भी डाल देता हूँ हम इसके अंदर बाद में पानी डालेंगे और इसको मैं यहाँ से डिस्ट्रॉय कर देता हूँ एंड लेट्स गो अभी जो हमने खाना लेके आया था ना तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इन लोगों के लिए खाना खाना मैं ऐसे नीचे ऐसे रख सकता हूँ आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्या ऐसे नीचे रखते हैं यहाँ पर मतलब बाउल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है एक और ये यहाँ पर लगा रहता है एंड uh, अभी जल्दी से बच्चे पैदा करो ठीक है मुझे कुछ पता नहीं है इन लोगों को अभी मैं तीनों के तीनों बैग खिलाने वाला हूँ बहुत खर्चा करा है मैंने के ऊपर प्लीज मेरे को निराश मत करो सबसे पहले बच्चे पैदा करो ठीक है भाई ओके okay, चिकन का खाना पानी सब कुछ हो चुका है चिकन बहुत ज्यादा खुश लग रही है एक बार मैं पिक्स के पास जाके देखता हूँ कितने बड़े हो गए ये uh, जहां तक मुझे लग रहा है काफ ओ यस यस फाइनली दे मेड बेबीज कितने सारे बच्चे पैदा कर दिए

अबे यार ये क्या कर दिया ने भाई गलती से डिलीट हो गया मेरे से मतलब मैंने यार कैसे देखा नहीं भाई मुझे यार ये जरूरत थी इसकी क्योंकि यार यहाँ पे अबे मैं सामान कहाँ पे रखूंगा ओ नो अभी मुझे एक नया घर बनाना पड़ेगा यार अब यहाँ पे भाई मैं सीरियसली पागल हूँ मतलब मैंने देखा ही नहीं मैंने गलती से उसको शूट कर दिया तो क्या यहाँ पे डिफॉल्ट हमको वो स्टोर रूम वापस मिलेगा यार मतलब एक तो इतना सारा खर्चा है अभी वापस से खर्चा करना पड़ेगा फार्म uh, हाउस नहीं नहीं यार, ये क्या हो गया गलती से हो गया मेरे से बट uh, वैसी मतलब मैं खुद भी तो बना सकता हूँ प्लेटफॉर्म वगैरह बना के पर तो उतने पैसे ही नहीं है ना मेरे पास तो नेक्स्ट वाले एपिसोड में मैं सोच रहा हूँ कि ये हम स्टोरूम बनाया गया अपना बारिश गाइस बहुत ज्यादा तेज हो रही है वाओ भाई बिजली चमक रही है नो 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 गाइस हमको घर के अंदर जाना पड़ेगा मैं काम करता हूँ सबसे पहले घर के अंदर चलते हैं लकड़िया तोड़ते जाओ भाई लेट्स गो ब्रेक 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 ओके क्या रुकी बारिश फाइनली गाइज पूरे 20 मिनट के बाद रियल लाइफ के 20 मिनट के बाद ये बारिश रुक चुकी है भाई मतलब मेरा तो भाई दिमाग खराब हो गया था मतलब मैं वेट कर रहा था कि बारिश रुक जाएगी और फाइनली बारिश रुक चुकी है और अब एक बार चिकन के पास देखते थे कि भाई इतना कितने अंडे दिए uh, मुझे ऐसा लग रहा है गाइज़ हमको थोड़े से चिकन और बाय करने पड़ेंगे ताकि ये लोग ज्यादा से ज्यादा अंडे दे काम कर तो हमें यहाँ से अंदर जाके ये जो अंडा दिया है उसको लेके बस मारना नहीं मेरे को हाँ अभी इनको खाना पानी तो मिल रहा ना प्रॉपर या खाना ये खाना खा क्यों नहीं रे पागल चिकन से क्या ये मर रही है अभी ये पागल मर जाएगी पता नहीं अभी एक काम करता हूँ ये इसको मैं बंद करके अभी सीधा हम जाएंगे शॉप पे ठीक है शॉप पे जाके सबसे पहले अभी जो अपने पिग्स है उनमें से मैं अभी एक को मारने वाला हूँ बिकॉज वी नीड मनी गाइड्स आई एम सो सॉरी सर ओके ओ एक को मारने के बाद एक सेकेंड बच्चा मर ये जिंदा है ओह नो गाइस सीरियसली बहुत बड़ा भाई कितना सारा मीट मिल गया भाई भाई भाई, भाई, भाई बहुत सारे पैसे मिलने वाले बट यार पूरा लग रहा है मुझे एनी वेज ये गेम है गाइज डोंट फील ऑफेंडेड अभी सारा का सारा मीट भाई कितना ईजी है इसके अंदर मीट कैरी करना देखा ओ वो यही फायर होता है कि इसी कूलर का आई I मीन mean, कुकर ये जो भी है तो मीट कैसे बेचते हैं मैं भी बर्गर uh, के यहाँ पे जाना होता है या यहाँ पे कार को खड़ा करते हैं लेट्स गो ओके गाइज एंड अभी अंदर जाना है मुझे ओपन द डोर मैं फर्स्ट टाइम ये बेच रहा हूँ मेरे को कोई ऐड वो अभी भाई डबल मिल रहा है प्राइज़ आई थिंक अभी ज़्यादा पैसे मिलेंगे लेट्स को लेट्स को लेट्स को कितने पैसे मिलेंगे एक्स के वो थ्री हंड्रेड एंड थोटी डॉलर्स सेल भाई कितने सारे पैसे मिल रहे हैं ओ एम जी यहाँ पर मैं अंडे भी बेच सकता हूँ या अंडे भी ले लें यानी ये भी ले लें गाइज फाइनली मेरे पास चौदह सौ डॉलर्स आ गए इतनी जल्दी मतलब भाई 400 डॉलर में पूरा का पूरा वो मीट बेचा मतलब हमने बेचा और वहाँ पे जितना भी था मैंने सारा मीट लेके नहीं आया था क्योंकि भाई इसके अंदर जगह मतलब कम पड़ रही थी भाई यार ये तो बहुत सही काम है तो मैं सोच रहा हूँ कि फिर से एक बार ना मैं वापस से जनरल स्टोर पे चलता हूँ वहाँ से हम पिक्स के लिए थोड़ा सा और खाना लेके आएंगे एंड मैं थोड़े से और कूलर्स लेके आऊँगा लेट्स गो ये हम आगे जनरल स्टोर पे मुर्गिया आप परचेस करते हैं चार मुर्गियाँ एक मुर्गा और एक मुर्गा लेंगे हम एंड एक और कूलर चाहिए क्या बड़ा वाला कूलर है यहाँ पर जिसके अंदर ज़्यादा सात सौ चालीस डॉलर चाहिए uh, out, कर लेते, अंडो का भी तो हमको वापस लेके जाना ये बैग भी है आई डों की गाइस सारा सारा सामान एक साथ जाने वाला है सबसे पहले चिकन को लेके जाते हैं पाँच मैंने पाँच है। भाई पांच कुछ ज्यादा ही नहीं होगी एनी वे गाइड सारी सारी चिकन को मैंने यहाँ पे रखवा दिया है और ये बैग्स को यार सही में ना मुझे एक ट्रेलर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्या मैं चिकन्स के ऊपर इसको रख सकता हूँ फिर नहीं ऐसा नहीं होगा फाइनली हम आ गए अपने चिकन कुक के पास और अभी सारे के सारे चिकन्स को मुर्गियों को हमको अनलोड करना है उनके नए घर में बाहर कोई नहीं आएगा ठीक है एक और आएगी भाई कितनी सारी चिकन्स होगी अभी अभी आई थिंक ये लोग डेफिनेटली बच्चे वगैरह अभी पैदा करेंगे अब बाहर बाहर कोई आएगा ठीक है और अभी बस इन लोगों को थोड़ा सा खाना वगैरह चाहिए होगा तो मैं बैग्स ऑफ वीट यहाँ पे Uh, खाना तो ये लोग खा रहे हैं प्रॉपरली पानी भी इसके अंदर कितना है पानी भी काफ़ी सारा है तो दिक्कत की कोई भी बात नहीं है या मुझे यहाँ पे ए, ये भी बनाना पड़ेगा वो खाने के लिए फ़ीडर मे बी का फीडर हमको ना बनाना ही पड़ेगा क्योंकि बाद में भाई पता चली कि भाई ये लोग मतलब मर गए क्योंकि मैंने फीडर नहीं बनाया था फाइनली बन गया ये फीडर छोटा सा एंड अभी इसको मैं यहाँ पर रखवा देता तो हूँ ये प्लैंक्स को और जल्दी से चिकन्स को मैं इसके अंदर खाना मतलब डगा लगा देता हूँ अभी लाइट बंद कर दे भाई कुछ दिखाई नहीं दे रहा और ऐसे तो कुछ भी नहीं दिखेगा एनी वाइज अभी इसके अंदर भाई खाना वगैरह सब कुछ परफेक्टली आ चुका है और अभी जल्दी से भाई सोने के लिए चलते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो चुका है जल्दी से अपने चिकन के पास चलते हैं एंड देन देखते हैं कि क्या हो रहा है भाई प्लीज़ यार फिर से नहीं यार फिर से एक बार मौसम खराब हो रहा है क्या फिर से बारिश हो रही है भाई मुझे यहाँ बारिश से भाई सख्त नफरत है फिर से आई थिंक ये बड़ा सा स्ट्रॉन्ग आने वाला है ऐसा मुझे लग रहा है यार क्यों यार क्यों आए एक बार अभी इनको मैं देखता हूँ कितने अंडे दिए इन लोगों ने बच्चे वगैरह पैदा कर करे कि नहीं आ, ये लोग बच्चे तो पैदा नहीं कर रहे बट खाना वगैरह तो काफ़ी अच्छी तरीके से खा रहे हैं ठीक है अभी मैं यहाँ से निकल लेता हूँ बाहर और वहाँ पर वैसे दो मुर्गे हैं तो उनको मुर्गिया पैदा करनी चाहिए आई I मीन mean, वो आई थिंक ब्रीडिंग कर लेंगे और अभी यहाँ पर जाके uh, बाकी का जो बचा हुआ मीट था उसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ या लेट्स को अभी इसके अंदर हाँ ई टू कलेक्ट या अभी क्या कर रहा है तू भाई ये बारिश क्यों हो रही है बार बार भाई पता नहीं यार और अभी इसको मैनेज क्यों करना है यार छोड़ दे इसको लेट्स गो और अभी बाकी के भी पिक्स आई थिंक धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और यहाँ पे खाना एक सेकंड भाई खाना 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 मुझे यहाँ पे लाना पड़ेगा क्योंकि खाने की थोड़ी सी यहाँ पे कमी हो रही है और खाना हम लोग काफ़ी सारा लेके आए थे अपने साथ यहाँ पे आ गया खाना टेन और एक और बैग आएगी जस्ट लाइक दिस परफेक्ट oh, खाना पानी आ चुका है यहाँ पे पानी ये लोग पानी बहुत ही ज़्यादा कम पीते हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है हो गया भाई सारा का सारा काम हो गया अभी फिर से एक बार मैं जाने वाला हूँ वो बर्गर शॉप में और एक जो हमने यहाँ पे डियर मारा था उसको भी स्किन करना बाकी रह गया था तो इसको निकाल के इसको स्किन करते हैं और इसका सारा का सारा मीट इसके अंदर कलेक्ट होगा भाई ये मीट करने का सीरियसली बहुत सही तरीका है आ, कलेक्ट हो जा भाई भाई कलेक्ट क्यों नहीं हो रहा ओ आई थिंक इसकी कैपेसिटी फुल हो गई एनी तो अभी इसको मैं लेके फिर से एक बार जाने वाला हूँ मतलब मीट बेच के भाई बहुत सारे पैसे मिलते हैं अभी मेरे को वन पॉइंट एट टाइम्स प्राइस मिलेगा चलेगा भाई कुछ भी चलेगा अभी कितने पैसे मिलेंगे तीन सौ डॉलर फिर से एक बार इससे तीस डॉलर एंड पंद्रह डॉलर लेट्स गो भाई फिर से एक बार कितने सारे पैसे आ गए मतलब पाँच सौ चार सौ डॉलर मुझे यही पे मिल गए तो देखा अभी ना लिटरली पैसे छपने वाले यहाँ पे आ गए वापस से जनरल स्टोर्स में एंड यहाँ पे हमारा ये एक बास्केट था थोड़ा सा सामान था और मुझे एक और कूलर परचेस करना है बारिश भाई बहुत तेज़ हो रही है पता नहीं ये कब बंद होने वाली है तो एक और कूलर परचेस करते हैं एंड uh, थोड़ा सा मैं uh, और वीट नहीं और वीट नहीं चाहिए आई थिंक इतना वीट ही ना फै क्योंकि यार एक बार में मैं, मैं ज़्यादा वीट ना अपने कार में ले ही नहीं जा पा रहा मुझे उसका उसके लिए मुझे एक ट्रेलर परचेस करना पड़ेगा दैट इज ऑप्शन मतलब उससे ही देन मतलब हमारा मामला पानी सॉर्ट आउट होगा तो चेकआउट करते हैं इतना थोड़ा सा मैंने सामान परचेस कर लिया फिर से नहीं फिर से एक बार हम ये वीट की बैग को नहीं ले जा पाएंगे कोई बात नहीं अभी इस वेक वेट के बैग को मतलब एक ही बच्चे ना या एक ही बच्चे उसको मैं अभी यहीं पे छोड़ के जाने वाला हूँ लेट्स गो अभी हमारे पास दो कूलर्स है तो दो कूलर्स में हम काफ़ी सारा मीट इन्होंने अभी कलेक्ट कर पाएंगे और अभी बस हमको वो पिक्स की ब्रीडिंग करवानी है बहुत सारे पैसे कमाने हैं और नेक्स्ट एपिसोड से हमारा बहुत ज़्यादा काम ईजी और आसान होने वाला है लेट्स को सारा का सारा सामान मैं फिर से एक बार नीचे उतार देता हूँ एक बार चिकन्स को देखता हूँ मैं भाई वहाँ पे खाना का क्या मतलब खाने का क्या सीन चल रहा है और इन्होंने बच्चे पैदा अभी तक तो नहीं करे नहीं ये लोगों ने अभी तक बच्चा पैदा नहीं करे यहाँ पे खाना ओ भाई अभी ना इस बार में काफ़ी सारा खाना वगैरह भी लेके आ चुका हूँ पानी वगैरह भी परफेक्ट है और लोग ये अंडे तो दे रहे अच्छे खासे इनकी पोटी वगैरह साफ़ करनी पड़ेगी ठीक है नहीं तो ये लोग मतलब बुरा मान जाए भाई फाइनली <laughs> बारिश बंद हो चुकी है अभी मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है एंड ये चिकन की बास्केट लेके एक बार मैं एग्स को कलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि भाई बहुत महंगा था ये बनाना बस सेम हो गया मुझे काटना ले वेट अगर मुझे चिकन आई मीन एग्स कलेक्ट करने ना तो मैं आई थिंक उस जाले से कलेक्ट कर सकता हूँ या यहाँ से ये लोग आई थिंक यहाँ से बाहर नहीं आते या।, या से एग्स कलेक्ट करना है बस चार एग्स एक साथ इतनी सारी पॉटी कर दी इन लोगों ने <laughs> भाई सारे लोग एक साथ करते हैं क्या <laughs> गाइज आज हमने ना बहुत सारी मेहनत करी है सबसे पहले आज हमने ये बड़ा सा चिकन का कोप बनाया जो कि प्रीमियम वाला मुझे छोटा सा बनाना था बट भाई मैंने बड़ा सा बना लिया बट अच्छी बात है अभी यहाँ पे यानी यू नो ज्यादा चिकन आएगी ये लोग बट अंडे बिल्कुल भी नहीं दे रहे हो एक सेकेंड उन्होंने अंडे देना शुरू कर दिया भाई इतने सारे एक साथ देखा गाइज़ फायदा हो रहा है धीरे धीरे मतलब चीज़ें पे ऑफ करती है बस थोड़ा सा टाइम लगता है और नेक्स्ट वाले एपिसोड में हम एग्जैक्टली इसी जगह पे हमारा गराज प्लस आ, जो स्टोरेज रूम एरिया होगा वो बनाएंगे हम सर तो गाइज आज कुछ भी बसना था आज को भी बसना होगा एंड फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो बाय गाइज